दोस्तों दोस्तों रेलवे में चल रही 90,000 पदों की भर्तियों को लेकर के एक ताजा खबर है, बड़ी खबर है, जो कि 21 मार्च 2018 की है। आज सुबह 8:39 पर हिंदुस्तान लाइव न्यूज में प्रकाशित हुई ये खबर, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 1,00,000 अप्रेंटिस में से 12,500 पा सकेंगे नौकरियां। जी हाँ दोस्तों, और आपका एक और सवाल है कि क्या ये जो 20% कोटा है, ये ग्रुप डी या लोको पायलट या दोनों में से किसी एक में है या दोनों में है? तो दोस्तों इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपका एक और सवाल है कि सर, हमने अगर अप्रेंटिस दूसरी संस्था से करा है, रेलवे की जगह हम दूसरी जगह से अप्रेंटिस कर रखे हैं, तो क्या हमें ये नौकरी में कोटा जो बेनिफिट है कोटे का, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इस न्यूज़ के बारे में पूरा बताने वाला हूं कि इस न्यूज़ में आखिर में ऐसा क्या साफ लिखा हुआ है जिसको आप जान सकें। चलिए दोस्तों, आगे चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबा के आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाएं। और दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, जी हाँ दोस्तों, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका आपको बेनिफिट मिल पाएगा अच्छे से अच्छे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का माइंड कुछ क्वेश्चन है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ऑप्शन है करंट, प्रतिरोधक, पावर या वोल्टेज। दोस्तों फटाफट से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए और बन जाइए आज के स्मार्ट व्यक्ति। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, लाइव न्यूज में ये न्यूज प्रकाशित हुई है, चलिए आगे चलते इस न्यूज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों रेलवे की फैक्ट्रियों व कारखानों में कौशल विकास का प्रशिक्षण पा चुके अप्रेंटिस की संख्या 1,00,000 से अधिक है, लेकिन इसमें से सिर्फ 12,500 अप्रेंटिस को रेलवे में नौकरी मिलेगी। रेलवे बोर्ड के नियम के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी के कुल रिक्त पदों में से 20% पद अप्रेंटिस के लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों आपका एक सवाल का जवाब यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि ये जो अप्रेंटिस वालों का जो कोटा है, आरक्षण है, ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए है, लोको पायलट वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए ये कोटा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ ग्रुप डी वालों के लिए है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात है, ध्यान देने की बात ये है कि दूसरी संस्था के अप्रेंटिस को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और आपका दूसरा सवाल का यहाँ पर जवाब मिल चुका है कि यहाँ पर दूसरी संस्था से अगर आपने अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट ले रखा है या अप्रेंटिस कर रखा है तो आपको इसका आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलेगा 20% का। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे आप सभी के कि सर हमें बताइए कि हमने दूसरी संस्था से किया हुआ है अप्रेंटिस तो हमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आपने ये भी पूछा था कि सर ये क्या ग्रुप डी और लोको पायलट दोनों में है या सिर्फ ग्रुप डी में है? तो यहाँ पर आपके दोनों सवालों के जवाब यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। और आगे चलते हैं, बात करते हैं, विदित हो कि रेलवे बोर्ड ने 89,409 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए फरवरी 2018 में अधिसूचना जारी कर दी थी। इसमें ग्रुप सी के 26,502 पद हैं, जबकि शेष 62,907 पद ग्रुप डी के हैं। इसलिए अप्रेंटिस एक्ट के तहत 20% आरक्षण का नियम सिर्फ ग्रुप डी के 62,907 पदों पर लागू होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि सिर्फ जो 20% का जो आरक्षण है अप्रेंटिस का, वो सिर्फ ग्रुप डी के 62,907 पदों के लिए लागू होगा। इस प्रकार रेलवे की फैक्ट्री, कारखानों, शेड आदि में अप्रेंटिस कर चुके 1,00,000 से अधिक अप्रेंटिस में से सिर्फ 12,581 को नौकरी मिल सकेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। और आगे चलते हैं, सूत्रों के मुताबिक रेलवे प्रतिवर्ष लगभग 7,000 युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देती है, लेकिन समय पर रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने के कारण अप्रेंटिस की संख्या 1,00,000 से अधिक पहुंच गई है। बचे हुए अप्रेंटिसों को रेलवे की अगली भर्ती का इंतजार करना होगा, लेकिन उस समय कई छात्र निर्धारित उम्र अधिक होने के वजह से अयोग्य हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पर 1,00,000 अगर अप्रेंटिस कर चुके हैं तो यहाँ पर 12,500 कैंडिडेट्स, ये तो बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर अगली बार भर्ती पता नहीं कब निकलेगी, तो जब भी निकलती है तो यहाँ पर हो सकता है कि उम्र सीमा के कारण यहाँ पर वह अयोग्य घोषित हो सकते हैं। और भी आगे चलते हैं, जानकारों का कहना है कि 50% अप्रेंटिसों को रेलवे में नौकरी नहीं मिल पाती है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दूसरे सरकारी संस्था के अप्रेंटिस को रेलवे के 20% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें रेलवे के सामान्य कोटे के तहत आवेदन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सामान्य कोटे के तहत ही आवेदन करना होगा। और रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 90,000 रिक्त पदों का आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। अप्रैल से मई तक के बीच कई चरणों में ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन अप्रैल से मई के बीच में डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परीक्षा हो सकता है आगे भी बढ़ सकती है। इसमें प्रथम चरण में सिर्फ अप्रेंटिस के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जबकि तकनीशी सहायक, लोको पायलट, क्रेन ड्राइवर व ग्रुप डी के पदों के लिए अलग अलग से परीक्षा कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अप्रेंटिस कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ एक समय होगा टाइम, जो कि उसी टाइम पर उनका एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद जो सामान्य जो कोटे के लोग हैं उनके लिए अलग से टाइम होगा एग्जाम का। तो दोस्तों अगर आपको न्यूज़ पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।
और प्लीज़ दोस्तों, सरकारी नौकरी और रेलवे से संबंधित खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे इस घंटे के बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।